टू लविस किचन सीक्रेट। आज मैं बनाने वाली हूँ केरला का एक फेमस बिरयानी, वो है तलशेरी चिकन दम बिरयानी। तलशेरी बिरयानी का जो फ्लेवर आता है वो है उसके राइस से। यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं जीरा का शैला राइस, इसे हम कायमा राइस भी कहते हैं। ये शॉर्ट ग्रेन राइस होता है और हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं होममेड गरम मसाला। तो चलिए देखते हैं इसका बनाने का तरीका। सबसे पहले हम होममेड गरम मसाला रेडी करेंगे। कसकस के अलावा बाकी के गरम मसालों को हम ड्राई रोस्ट करेंगे लो फ्लेम में लगभग एक मिनट के लिए। अब हम डालेंगे कसकस और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करके गैस को ऑफ कर देंगे। फिर हम इसका पाउडर रेडी करेंगे। अब हम फ्राई करेंगे प्याज को। मैंने यहाँ पर दो बड़े प्याज लिए हैं, इसे हमें छोटे छोटे बैच में फ्राई करना है लो फ्लेम में गोल्डन ब्राउन होने तक। ध्यान रखना कि इसे हमें लो फ्लेम में ही फ्राई करना है। देखिए प्याज का कलर चेंज होने लगा है। जब ये हल्का सा ब्राउन हो जाए तो ध्यान रखना, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी जल जाता है। इसे चलाते ही रहना है। देखिए गोल्डन ब्राउन हो गया है, इसे हम प्लेट में निकाल कर बाजू में रख देंगे। इसी तरह से हम बाकी के प्याज को भी फ्राई करेंगे। देखिए इस तरह से। अब हम फ्राई करेंगे काजू, इसे भी गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। गोल्डन ब्राउन होते ही इसे हमें एक बोल में निकाल कर बाजू में रखना है। अब हम फ्राई करेंगे किशमिश। किशमिश बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है, इसे भी गोल्डन ब्राउन होने के बाद हम बोल में निकाल के बाजू में रख देंगे। ये है जीरा का शाला राइस, इसे हम कायमा राइस भी कहते हैं। ये शॉर्ट ग्रेन राइस होता है और इससे ही तलशेरी बिरयानी का फ्लेवर आता है। ये आपको कोई भी ग्रोसरी स्टोर में मिल जाएगा। इसे हम अच्छी तरह से धोकर इसका पानी स्ट्रेन करके रख देंगे। हम चिकन बनाएंगे, उसके लिए हम पैन में लेंगे घी। घी को मेल्ट करने रख देंगे। घी मेल्ट हो चुका है, उसमें हम डालेंगे दो बड़े लंबे कटे हुए प्याज। इसे हमें सॉफ्ट होने तक फ्राई करना है। ध्यान रखना है कि इसे हमें ब्राउन नहीं करना है। देखिए प्याज सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली पेस्ट। इसे हमें तब तक फ्राई करना है जब तक कि इसका रॉ स्मेल निकल ना जाए। अब हम डालेंगे हल्दी और हमने रेडी किया हुआ गरम मसाला, हमें यहाँ पर 3 चम्मच यूज करना है। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करके लगभग 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे चिकन, इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करके लगभग 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम में पकने रख देंगे। देखिए चिकन का कलर चेंज हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर, पुदीना, धनिया, दही और नींबू का जूस। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे।
अब हम इसे ढककर लगभग 15 मिनट के लिए पकने रख देंगे ऑन लो फ्लेम। जब तक ये चिकन पक रहा है तब तक हम राइस रेडी करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे घी, घी को मेल्ट करने रख देंगे। अब हम इसमें डालेंगे 2 तेजपत्ता, इलायची, लौंग, बड़ा इलायची और दालचीनी। इसे हम फ्राई करेंगे लगभग 1 मिनट के लिए लो फ्लेम में। अब हम इसमें डालेंगे 6 कप पानी। हमने 4 कप चावल लिया था तो उसके लिए हम 6 कप पानी यूज़ करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। इसे अच्छी तरह से मिलाकर पानी में उबाल आने के लिए रख देंगे। पानी में उबाल आ चुका है, अब हम इसमें डालेंगे धोकर रखा हुआ राइस। इसे हम मिक्स करके पानी में उबाल आने तक रुकेंगे। पानी में उबाल आते ही हम इसे ढक कर इसे पकने रख देंगे। देखिए चावल पक चुका है। चावल को चम्मच की मदद से इस तरह से हम पफ करके रख देंगे ताकि चावल एक दूसरे से चिटके नहीं, वरना चावल स्टिकी हो सकता है। 15 मिनट हो चुका है, देखिए चिकन अच्छी तरह से पक चुकी है। अब हम इसे और थोड़ी देर पकाएंगे ताकि इसका ग्रेवी ज़रा गाढ़ा हो जाए। ग्रेवी गाढ़ा हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे फ्राई किया हुआ अनियन। मैंने यहाँ पर 3/4 पोर्शन लिया है, उसे मैंने पाउडर करके इसमें मिक्स किया है। इसे हम बिस्ता कहते हैं। हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स करके गैस को ऑफ करके रख देना है। दम पर रखने के लिए सबसे नीचे हम चिकन डालेंगे, उसके ऊपर हम एक लेयर चावल का बनाएंगे। हाफ पोर्शन ऑफ राइस हमें पहला डालना है। अब हम इसके ऊपर डालेंगे हमारा तैयार किया हुआ गरम मसाला, धनिया, किशमिश, काजू, फ्राई किया हुआ अनियन और थोड़ा सा घी। अब हम सेकेंड लेयर चावल का डालेंगे और सेम प्रोसेस हम रिपीट करेंगे। ट्रस्ट मी, ये बिरयानी बहुत ही यम्मी बनता है और ये दूसरे बिरयानी से काफ़ी डिफरेंट भी है। इसका जो ऑथेंटिक फ्लेवर है वो राइस से आता है। अगर आपको ये चावल नहीं मिलता है तो आप बासमती राइस यूज़ कर सकते हैं, बट आपको वो ऑथेंटिक फ्लेवर नहीं मिलेगा। लास्ट में हम डालेंगे रोज वाटर और हल्दी का मिक्सचर। इसे चावल में बहुत सुंदर सा कलर आता है। इसे हम चावल के ऊपर इस तरह से डालेंगे। आप चाहे तो सैफ्रॉन या तो फूड कलर भी यूज़ कर सकते हैं। इसे हम कवर करेंगे एल्युमिनियम फॉइल से। आप चाहे तो चावल का आटा भी यूज़ कर सकते हैं टू सील द साइड्स। अब हम इसके ऊपर ढक्कन रख कर इसे दम पे रख देंगे 30 मिनट के लिए। दम के लिए सबसे नीचे हम रखेंगे तवा, उसके ऊपर रखेंगे हमारा ये बिरयानी पॉट और उसे हम दम पर रखेंगे 30 मिनट के लिए। देखिए रेडी है तालशेरी चिकन दम बिरयानी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आया हो तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर आपका कोई भी फीडबैक या सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स पर मेंशन कर सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड डू प्रेस द बेल बटन फॉर नोटिफिकेशन। स्टे ट्यून्ड फॉर द अपकमिंग वीडियोस। टिल देन, बाय।